नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली ग्वालदम पर बनाए गए तीन मोटर पुलों का लोकार्पण किया है। तीनों पुल बीआरओ ने बनाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की गलवान घाटी से वर्चुअल माध्यम से पुलों का उद्घाटन किया। तीन मोटर पुलों में से लोहटी मोटर पुल पर लोकार्पण कार्यक्रम के लिए पूर्व विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। वहीं थराली के सिमल सैंड में निर्मित पुल के लोकार्पण में थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में बीआरओ के कमांडर मनीष कपिल समेत ओसी शिवम अवस्थी भी लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो थराली को रक्षा मंत्री की सौगात, मोटर पुलों का लोकार्पण किया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीआरओ ने बनाए हैं ये तीन मोटर पुल। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विकास का संकल्प पर एक कदम हम आगे बढ़ते हुए पूरे देश को आज 75 पुलों का लोकार्पण करते हुए देश को समर्पित किया गया है। और आज हमारे रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो ये लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं और हमारे इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी भी इसमें वर्चुअल जुड़े हुए थे। खबर रुद्रपुर से है, जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 21,29,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी सुरवेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले श्रीपाल सिंह की लखनऊ में सर्वेश यादव से मुलाकात हुई थी। ठगी ने खुद को यूपी सरकार में अनुसचिव बताया और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी का झांसा देकर विश्वास में ले लिया और उनसे एक बड़ी रकम ठग ली। जब पीड़ित को ठगी आरोपी का पता चला तो उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने फर्जी अनुसचिव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। छानबीन में अभियुक्त के घर से एक टाटा सफारी कार भी बरामद की है, जो उसने ठगी की रकम से खरीदी थी। आ जाओ आगे, आ जाओ। अरे भाई तू गाइड। और अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसमें जो अभियुक्त है सर्वेश यादव, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और इस गिरफ्तारी के बाद ये चीजें जो तस्दीक हुई है, इस प्रकार से घटनाक्रम आया कि जो अभियुक्त सर्वेश यादव है अपने दो साथियों के साथ मिलकर सरकारी नौकरी दिलाने और सरकारी कार्य दिलाने के नाम पे लोगों से ठगी किया करते हैं। और इनके ऊपर पूर्व में भी इस वर्ष 2019 में एक अभियोग पंजीकृत है गोमती नगर थाने में, जिसमें पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। और बाकी भी इनके लिंक्स की जानकारी की जा रही है किन किन लोगों के द्वारा, मतलब किन किन लोगों से इन्होंने पूर्व में भी ठगी की है और कौन साथी इनके इसमें सम्मिलित हैं। खबर रुड़की से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण को लेकर रुड़की नगर निगम सख्त हो गया है। नगर निगम के एमएनए विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि उन्होंने कई लोगों को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसको देखते हुए उन्होंने कार्रवाई की के साथ ही उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नगरों में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, खासतौर पे जो
सड़कों और पटरियों पर लोगों द्वारा अस्थायी रूप से अस्थायी सामान रख के या कुछ रख के कब्जा किया गया है, तो वो पूर्व में विगत दिवस में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिवाली से पहले एक मीटिंग करके दिशा निर्देश दिए गए थे कि सड़कों और पटरियों पर जो भी अस्थायी अतिक्रमण है, कोई इस चीज ने सामान रख के कब्जा किया है या कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, उसको हटवाया जाए ताकि लोगों को चलने में सहूलियत हो सके। तराली देवाल तिराहे से तहसील तक जन आक्रोश रैली निकाली गई। बताया जा रहा है कि दो दिन के अंदर हत्या आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें कि देवाल में हुए पिंकी हत्याकांड में हत्या आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि पिंकी हत्याकांड मामले में पुलिस ने हत्या आरोपी पर इनाम भी रखा है और लगातार हत्या आरोपी की तलाश जारी है। जितने भी उत्तराखंड के दलित समाज के लोग हैं, उस बेटी को इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरे थे। इसी तरीके से आज जो थराली के तहसील में ये जो जन आक्रोश रैली है, सम्मानित कैप्टन साहब और जो हमारी पिंकी है और यहाँ पर बीरेंद्र राम की जो निर्मम हत्या हुई है, आज तो हमने एक जन आक्रोश रैली के माध्यम से एक ज्ञापन देना भी उप जिलाधिकारी महोदय को विकास ये थराली में देखो। उत्तराखंड जो बना था एक देव भूमि थी और इसको आज जो है एक कातिलों की भूमि बनाने पर जारी सरकार जो है जो कातिल हैं उनको जो है इस प्रकार से छोड़ रही है कि वो आगे से आगे बढ़ करके कातिल करते कत्लेआम करते जा रहे हैं। पिंकी हत्याकांड जो बता रहे हैं उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जो अभियुक्त गुलाब उसके विरुद्ध NBW 82 और कुड़की और फिर उसपे मफरूल में चार्जशीट हुई है, उसमें इनाम हुआ है। अभी हाल ही में उसमें 2500 से बढ़ के इनाम 5000 हो गया है। उसमें लगातार पुलिस का जो प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रही है और हमारा प्रयास है जल्दी उसकी गिरफ्तारी करने का। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आजीविका कमाने आए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के शोषण के खिलाफ सर्व श्रमिक कर्मकार कल्याण संगठन और प्रगतिशील युवा संगठन ने संयुक्त रूप से तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मजदूरों का शोषण रोकने और दुर्घटना में मारे गए मजदूरों को उचित मुआवजा देने के साथ ही मजदूरों को कार्य के दौरान जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई है। इस दौरान दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से तहसील परिसर में नारेबाजी भी की। वहीं सर्व श्रमिक कर्मकार कल्याण संगठन के अध्यक्ष उमेद राम और प्रगतिशील युवा संगठन के अध्यक्ष रमेश कुमार ने संयुक्त रूप से अपने बयान में कहा कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में निर्माण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य बाहरी राज्यों में से आकर श्रमिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही ताजा मामला बागेश्वर का है, जहां एक ठेकेदार दीपावली के दिन अमरोहा उत्तर प्रदेश के दो मजदूरों से काम करा रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने से दोनों मजदूरों की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। अगर श्रमिकों के पास उचित सुरक्षा उपकरण होते तो उनकी जान बच सकती थी। हमने हमारे उत्तराखंड सरकार से ये मांग की है कि श्रम विभाग में जो है जो भी योजनाएं आती हैं वो मजदूरों तक नहीं पहुंच पाती हैं और हमें मजदूरों को जो उत्तराखंड राज्य में असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं उनको असुरक्षित तरीके से ठेकेदार लोग उनसे काम करा रहे हैं और बहुमंजिली इमारतों में काम कराया जाता है बिना सेफ्टी के आधार पर, बिना हेलमेट के आधार पर और बिना सेफ्टी शूज के आधार पर। और अगर बागेश्वर में जो दो मजदूरों की मौत हुई है पुल में मैं पेंटिंग करते वक्त और जो जबकि दीपावली का दिन, यहाँ पर आप देखेंगे यूपी से और अन्य जगहों से लोग मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन कोई श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार मजदूरों दुर्घटना से मजदूरों की मौत हो रही है। सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए श्रम लेबर कोड द्वारा, और दूसरी बात यह है कि जो भी मजदूर मर रहा है उनको कोई सरकार की तरफ से न ठेकेदार की तरफ से कोई या मकान मालिक की तरफ किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों की मौत लगातार हो रही है, दर्दनाक मौतें हो रही हैं।
क्या मांग है सरकार से? मांग यह है कि हमें जो मजदूर मर रहा है चाहे वो किसी भी क्षेत्र का, उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ का निर्माण कर रहा है। मजदूर को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खबर लालकुआ से है, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नगर पंचायत लालकुआ के पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 2023 के नगर पंचायत चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य सीट रही तो वो चुनाव लड़ेंगे और नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी रुके हुए विकास कार्य हैं उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में प्रजातंत्र है और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मेरी भूमिका यह रहेगी कि मैं सामान्य सीट रही, कांग्रेस ने हमको टिकट दिया चेयरमैनी का, तो मैं कांग्रेस का प्रबल कैंडिडेट चेयरमैन का होऊंगा और मैं जनता हमें सामान्य लड़ेंगे। वैसे प्रजातंत्र राज्य है, हर कोई लड़ने का अधिकार है। अगर जनता ने हमको करेगी, हमको फिर से दोबारा से वोट देगी और हमको सम्मान देगी तो मैं फिर से लड़ूंगा। सुंदर भाई तो वही देहरादून में नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 दिवसीय महापर्व के लिए नदी के घाटों पर साफ सफाई का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही छठ मैया की स्थापना भी कर दी गई है। आपको बता दें कि सुबह स्नान के बाद कद्दू और चने की दाल से बनी सब्जी और चावल का भोग ग्रहण किया, जिसके बाद छठ पर्व का व्रत शुरू हुआ। करीब 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद शनिवार शाम को खरना का आयोजन होगा। खरने में गुड़ और दूध से बनी खीर खाई जाएगी। खीर को प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाएगा। वहीं प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती लोग रविवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे और सोमवार को सुबह में उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। प्रमुख कारण है कि देखिए, जो डायरेक्ट हमें भगवान सीधा सीधा जो भगवान दिखते हैं हमें सूर्य भगवान, सूर्य भगवान से पूरा, जैसे आप लोग सर्वविदित है कि जितना भी ताकत प्राप्त होता है, चाहे आदमी हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, जितने भी जीव जंतु हैं, यदि सूर्य उदय होना बंद हो जाए तो समझिए कि 1 महीना 2 महीना 4 महीने में सारा सृष्टि का नाश हो जाए। तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को इस रूप में मानते हैं, दूसरे में जो साक्षात देवता के रूप में इनको माना गया है। हम लोगों की मांग तो है कि 31 तारीख को छुट्टी रखी जाए, लेकिन चूंकि संध्या अर्घ के दिन संडे है तो शायद इस वजह से सरकार, और लगातार छुट्टियों का भी प्रेशर है सरकार पे, तो सरकार से हम लोग मांग कर सकते हैं, बाकी देना ना देना सरकार के ऊपर। जिसमें जितना भी प्राकृतिक चीज है केवल हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। आपको इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज, कोई प्लास्टिक, कोई इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखेगा। जो सीजनल फल फूल और इस तरह की चीजें, हम केवल उसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है जिससे प्रकृति में कोई प्रदूषण नहीं फैलता। अभी हम मुझसे मिलने भी आए थे लोग, जिनके 2-3 रिक्वायरमेंट्स थी कि पुलिस व्यवस्था और मेडिकल टीम की व्यवस्था, जिसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। रामनगर में डेंगू मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि स्वर्गीय राम दत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय और प्राइवेट ब्रजेश अस्पताल में भी मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इस दौरान सरकारी अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर प्रतीक ने बताया कि अस्पताल में भी डेंगू मरीज हर रोज इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन गंभीर मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में डेंगू मरीजों को भर्ती करने के लिए वार्ड बनाया गया है और दवाइयां भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। डेंगू की शुरुआत लास्ट वीक में, तो हमारे पास थ्री या फोर पेशेंट आए हुए थे डेंगू के, और अभी शायद एक पेशेंट एडमिट भी है। डेंगू की शुरुआत तो शायद रामनगर में हो चुकी है, लेकिन इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी जनरल
मेडिसिन की हैं, जो फिजिशियन डॉक्टर हैं डॉक्टर मोनिका, वो लगातार पेशेंट्स को देख रही हैं, और कोई भी अगर ऐसी चीजें लग रही हैं, अगर किसी के इंसान के शरीर में कोई दर्द है, फीवर लगातार आ रहा है, तो वो तुरंत इस समय डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर को दिखाए। सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस समय डेंगू काफी तेजी से जो है फैल रहा है। रोज करीबन 10 से 15 मरीज हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं जिनको डेंगू रिपोर्टों में निकल रहा है। एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मरीजों को भर्ती की जरूरत नहीं पड़ रही है, कुछ ही मरीज उनमें ऐसे हैं जिनको भर्ती की जरूरत या प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। डेंगू के लिए एक तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी और निर्देश दे दिए गए हैं, जहां पर भी पानी का ठहराव है वहां पर तत्काल दवाई का छिड़काव करें। साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए जहां पर निकासी की समस्या है वहां पर जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ भी वार्ता करके उसका जो है निस्तारण किया जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है, इतनी कंडीशन में हमारे यहाँ डेंगू के पेशेंट है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल। जब बहुत दबाव आया तो एक दिन उन्होंने टेस्टिंग के लिए यहाँ एक टीम भेजी थी, उसमें 58 टेस्टिंग हुए थे, वो 58 टेस्टिंग होने के बाद 20-22 उसमें डेंगू आया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के नेता मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के नेता हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभालेंगे। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं को सीमा से सटे 15 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वामी को भी हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से उत्तराखंड ही जैसा है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड के नेताओं को हिमाचल प्रदेश का भी काफी अनुभव है। देखिए, हमने लगभग 15 लोगों की टीम ने पहले शुरू में भेज दी थी, और अभी हमने अपने जो विधायक है, कुछ मंत्रीगण हैं, और जो हमारे खास तौर पर जो चुकलता क्षेत्र से लगे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनकी भी ड्यूटी हमने वहां लगाई है। कुलदीप जी हमने उसके संयोजक के नाते उनके वहां लोग जाएंगे, और सबको अलग अलग विधान में बांट दी गई है, तो उन विधानसभा जाकर, और क्योंकि एक अपेक्षा हिमाचल के द्वारा हमारे कार्यकर्ता से की गई है वहां के संगठन द्वारा, हम उस कार्य में कार्यकर्ता भेज रहे हैं, विधायक और सांसदों को भी वहां भेजेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान जल्द होने जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कमान संभाल लेने के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस की भी नई टीम घोषित होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस बार टीम प्रभावी होने के साथ साथ नए जोश और पुराने अनुभव वाली टीम होगी। उन्होंने कहा कि इस टीम का स्वरूप जंबो नहीं बल्कि सीमित होगा। कार्यकारिणी छोटी कार्यकारिणी जैसे मैंने कहा था, दो फेजेस में हम निकाल रहे हैं, और टोटल कार्यकारिणी में जो अभी हमारी गई है उसमें 27-28 हमारे अभी महामंत्री हैं, और 20-22 के आसपास उपाध्यक्ष रहेंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और 50 के आसपास सचिव है, और दूसरी लिस्ट जैसे ही अनुमोदन होकर आती है उसके बाद एक दूसरी लिस्ट और निकलेगी। कुल मिला के हमारे 35 से 38 तक हमारे शायद महामंत्री रहेंगे। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने प्रेस वार्ता करते हुए 6 साल बाद हो रही पीसीएस परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीसीएस मेंस एग्जाम देने के लिए महज 20 दिन का समय दिया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर पीसीएस मेंस की परीक्षा को स्थगित कराना चाहिए और बच्चों को समय देकर बाद में इस परीक्षा को कराना चाहिए। पीसीएस का कोई एग्जाम नहीं करो, जिस प्रकार से पूरा ये पीसीएस का एग्जाम इस बारी निर्धारित करा गया है, या फिर इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, ये वाकई में बहुत गजब की है। अब आप सोचिए कि जब से प्रीलिम्स का पहला रिजल्ट आया उसके बाद से ये पांचवी छठी सूची आई है,
तब प्रीलिम्स में कौन कौन पास हुआ ये निर्धारित हुआ है, और अब मात्र 20 दिन का 19 अक्टूबर को इसकी अंतिम सूची आई है, और 12 से 15 नवंबर के बीच में मेंस का एग्जाम, जिसका सिलेबस इतना विराट विशाल है कि उसमें आईएएस के पूरे सिलेबस के अलावा उत्तराखंड का अलग से सिलेबस। सीबीआई की जांच अधीनस्थ चयन सेवा आयोग एवं भर्ती आयोग पे हो। दूसरी चीज, 9000 बच्चे एग्जाम देंगे जिसमें से 350 बच्चों का चयन होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई दे रहे, उसके अतिरिक्त उत्तराखंड विशेष का सारा सिलेबस शॉपिंग की वजह से हमारा जो स्थानीय दुकानदार है उसका परेशान है। सीबीआई की जांच अधीनस्थ चयन सेवा आयोग एवं भर्ती आयोग पे हो। हरिद्वार में सरकारी विभाग ही ऊर्जा निगम को चूना लगा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और सिंचाई समेत कई विभागों ने लंबे समय से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते यूपीएससीएल का करोड़ों रुपए विभागों पर बकाया चल रहा है, और यूपीएससीएल के अधिकारियों को पैसे की वसूली के लिए बार बार इन विभागों को नोटिस भेजने पड़ रहे हैं। कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी विभागों के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। यूपीएससीएल के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान किए जाने के लिए समय समय पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। कुछ विभागों ने 3-4 साल से बिजली का बिल नहीं भरा है, इनकी बकाया राशि करोड़ों में है। देखो, सरकारी विभाग में कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें नियमित पैसा आ जा रहा है, और कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें नियमित पैसा नहीं आ रहा है, जैसे स्कूल वाले हैं, और जैसे कि हमारे यहाँ पे यूपी इरिगेशन के 2-3 कनेक्शन है, या फिर आपका हेल्थ के भी है जिसमें कहने में 2-3 महीने रुक के पैसे आते हैं। ठीक है, ये रिकवरी का हमारा एक नियमित कार्यक्रम चलता रहता है कि हम नोटिस देंगे या कनेक्शन काटेंगे, तो धीरे धीरे पैसा आ ही रहा है। खबर लालकुआ से है, जहां पर मच्छरों से बढ़ते रोगों के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की सीएमओ भागीरथी जोशी और जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अनुराधा हयांकी ने संयुक्त रूप से वार्ड नंबर 2 का निरीक्षण किया, साथ ही अम्बेडकर पार्क में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया, जिसमें निःशुल्क परीक्षण और दवाई बांटी गई। इस दौरान सीएमओ और जिला मलेरिया अधिकारी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया की कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद यहां शिविर का आयोजन कर लोगों को निःशुल्क परीक्षण और दवाई वितरण की जाएगी। कहीं पे डेंगू के मरीज आ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग टीम को भेजते हैं। हमारे पास यहाँ की खबर अभी 4 दिन पहले आई थी, तो हमने उस दिन यहाँ पे टीम भेजी है, यही इसी में बगल में यहाँ पे कार्य किया गया है। और इसकी भी अभी न्यूज कल शाम को पता चली है कि कल शाम को यहाँ पे 2 मरीज और आए हैं, जिसके लिए हमने आज टीम भेजी है। अब इसके बाद, क्योंकि पहले हमारा दूसरी जगह पे डेंगू के इलाज थे, अब यहाँ पे आने शुरू हुए, तो अब टीम हमारे यहाँ पे लगातार कार्य करेगी। कैंप अभी लालकुआ में थोड़ा सा प्रभावितों की संख्या इधर नोटिस में आई है, तो लगातार कैंप का एक रोस्टर जारी कर रहे हैं, और नगर पंचायत अध्यक्ष से भी हमारी बात हो गई है लालकुआ, उनके साथ कोलैबोरेशन में हमारी टीम सभी घर घर जाएंगी और सोर्स रिडक्शन का काम भी करेंगे, और जितने भी मलिन बस्तियां हैं लालकुआ की, यहां पर कैंप अभी रोस्टर जारी कर देंगे। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं आप। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।